प्रयागराज के जसरा बाजार में चैत्र की नवरात्रि पर भी दिखा भक्तों का जबरदस्त क्रेज और चैत्र की नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ का किया गया आराधना और पूजा और 10वें दिन देखिए किस तरह से धूमधाम के साथ माता की विदाई की जा रही है। माता का मूर्ति का विसर्जन करने के लिए चौकी पर बैठा करके ले जाया जा रहा है भीटा के लिए और भीटा में यमुना नदी में इस मूर्ति को विसर्जित किया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कितना उत्साह के साथ भक्त लोग माँ की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए भीटा यमुना नदी में ले जा रहे हैं दर्शकों। जो है आज लास्ट दिन है, एक तरह से आज जो है कह सकते हैं आप विसर्जन है और विसर्जन के ही दिन आप देख सकते हैं जसरा बाजार की मूर्ति है विसर्जित करने के लिए जा रही है इस समय भीटा। और आप देख सकते हैं लौंडों में काफी ज्यादा उत्साह। क्या नाम है इसका? किशोर वानी। क्या कहेंगे आज के दिन? जय माता जी। क्या कहेंगे? जय माता जी। कहाँ जा रही है मूर्ति? भीटा जा रही है। तो अच्छा ये बताइए, यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं काफी भीड़ है, तो सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं? नहीं, पैदल नहीं, माता के साथ जाएंगे, चौकी के साथ। अच्छा अच्छा, ये जान लीजिए, आइए दिखाते हैं, थोड़ा साइड हो जाइए। ये देखिए, इस वक्त आप देखिए जसरा बाजार की मूर्ति का इस तरह से हो रहा है विसर्जन। और इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, आ जाइए, ये देखिए विसर्जन होने के लिए, विसर्जित के लिए जा रही है, विसर्जन के लिए आप देख सकते हैं। आ जाइए इधर से देखिए। और इस वक्त की एक्सक्लूसिव न्यूज, आगे चलो, न्यूज इंडिया शुरू कर चुके हैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ। और पंडित जी है। कौन पंडित जी है? क्या नाम है? कहाँ है पंडित जी? क्या नाम है आपका? पंडित शिवा शास्त्री नाम है हमारा। आज के दिन के लिए क्या कहेंगे? आज दिन बहुत दिव्य रूप से माता रानी जा रहे हैं विसर्जन में। क्या नाम है आपका? सुनील शास्त्री। आज के दिन क्या कहेंगे, माता किस तरह से कृपा बनाती है भक्तों पर? आज के दिन माता भक्तों की कृपा बनाती है, जिस तरह प्रथम शैल पुत्र माता रानी अपने सभी भक्तों पे संपूर्ण कृपा बनाती है। हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सफलता पूर्वक माता का सेवा किया और आज उसी सेवा का परिणाम हम माँ का विसर्जन करने बीटा यमुना जी के घाट में जा रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात होती है कि हमारे हिंदू धर्म में हमारे पुराने परंपराएं आज चली जा रही है। और हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चे जो भी ये सहयोग कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, माता रानी के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रहे। बोलो सच्चे दरबार की मैया की। ये जान लीजिए, मैं आपको बता दूं, आज के दिन विसर्जन होता है और आज के दिन जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो विसर्जित कर दिया जाता है। और ये उत्साह जिस तरह से ये लग रहा है कि जैसे दशहरा वाला जो होता है, नवरात होता है, उसी तरह से लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये नवरात उससे अच्छा नहीं है, उससे खास नहीं है। अच्छा ये बताइए, जो विजयदशमी वाला नवरात होता है उसमें और इसमें किस तरह से अंतर है थोड़ा बहुत? हमारे लिए तो किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है, क्योंकि उस नवरात में भी अपनी माँ को पूजते हैं और इस नवरात में भी हम अपनी माँ को ही पूजते हैं। और जिस तरीके से हम उधर उस नवरात में माँ को बुलाते हैं, उसी तरीके से हम इस नवरात में माँ को बुलाते हैं और पूरी लगन के साथ पूरे मिल के 9 दिन माँ की सेवा करते हैं। दर्शकों आपको बता दे, जैसा कि आपको तो पता ही है कि आज जो है विसर्जन होना है, जो जो भी मूर्तियां रखी गई हैं, जिन जिन मूर्तियों का पूजन हुआ है, आज उनका लास्ट दिन विसर्जन किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो भी इन लोगों का कार्यक्रम होता है, कुछ लोग तो भंडारा भी करते हैं, कुछ लोग जो भी उनका कार्यक्रम होता है वो करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आज ही के दिन क्यों विसर्जन?
विसर्जन किया जाता है? आज माता का 10 दिन पूरा हो गया, विसर्जन है और क्या। ऐसा अच्छा नहीं हो सकता कि जैसे माता जी को और दिनों तक रखा जाए, पूजा किया जाए? भैया ये हिंदू प्रथा में जो नियम है वही नियम, थोड़ा अलग से बनाएंगे नियम हम। यही नियम होता है, यही नियम है। नौ देवी के साथ 9 दिन हो गया पूजा हवन होने के बाद, विजयदशमी वाले दिन विसर्जन का यात्रा निकलता है। विसर्जन इसी कारण से होता है, हर जगह होता है। भंडारा उंडारा अब इसके बाद ही किया करवाया जाएगा? भंडारा हो 6 तारीख को भंडारा तत्काल बड़े भव्य रूप से बकायदे भंडारा किया जाएगा, प्रसाद लिया जाएगा, तब जाएगा। अच्छा, आ जाइए दिखाते हैं आपको। मूर्ति आ चुकी है माता जी का, और ये पूजा अर्चना करवाने वाले पंडित जी लोग इधर ही हैं, और आप देख सकते हैं मूर्ति फिलहाल यमुना के तट पर, मूर्ति फिलहाल यमुना के तट पर इस समय पहुंच चुकी है। और आप इस वक्त ये जो देख रहे हैं, ये यमुना जी ये बहुत ही विख्यात है, और ये स्थान भी बहुत विख्यात है। दिखा दीजिए, ये सुजावन देव हैं, और सुजावन देव को काफी लोग जानते हैं, काफी चर्चित स्थान है, ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेवरेट जगह है, और आज यही पर विसर्जन किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं मूर्ति पहुंच आई है, अब विसर्जन कुछ ही देर बाद किया जाएगा। क्या हुआ, क्या कहना है आज के दिन? कहना बस इतना ही है कि प्रेम से बोलो जय माता दी। जान लीजिए उत्साह है, बाकी बने रहिए। चलिए दिखाते हैं आपको विसर्जन। माता जी को अब ये लोग जो है विसर्जित कर देंगे पानी में, और माता जी फिर उसके बाद नवरात्र में आने वाला नवरात्र जो होगा उसमें फिर से माता जी आएंगी, ये जान लीजिए। तो अभी फिलहाल आरती किया जा रहा है, और आरती करने के बाद माता जी को विसर्जित किया जाएगा। और ये आपको मैं बता दूं, ये काफ़ी दुख का जो है क्षण है, जब माता जी को ये विदा करते हैं। जब माता जी आती हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं, और जब माता जी जाने लगती हैं या फिर विसर्जन किया जाता है, तब कुछ भक्तों के आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, कुछ भक्तों के आँख नम हो जाती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है आरती किया जा रहा है माता जी का, और आरती करने के बाद विसर्जित किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यही विसर्जित किया जाएगा, ये इस वक्त देख सकते हैं, यही यमुना जी नदी, यमुना नदी में विसर्जित किया जाएगा। पवित्र नदी है यमुना नदी, गंगा नदी, और आप तो जानते ही हैं कि गंगा यमुना का जो श्रद्धा होता है हिंदू धर्म में ज़बरदस्त होता है, और यही कारण है कि लोग कोई भी किसी भी चीज़ का, किसी भी मूर्ति का अगर विसर्जन होता है तो वो पवित्र नदियों में ही करने का फैसला करते हैं, सोचते हैं, इसलिए क्योंकि जो नदियां होती हैं गंगा यमुना ये काफ़ी पवित्र मानी जाती हैं। यही कारण है कि किया जाता है गंगा और यमुना नदी में विसर्जन।